राष्ट्रपति को छुपाना चाहते हैं, आप उनको दूर रखना चाहते हैं, तो आपने राष्ट्रपति बनाए ही क्यों? आप राष्ट्रपति को हटा दीजिए, गवर्नरशिप हटा दीजिए, प्रधानमंत्री सब कुछ रहेगा भारत, तो क्या इस तरह की लोकतंत्र चलेगा? क्या इस तरह की गणराज्य रिपब्लिकन चलेगा? एक करना रनावत अगर जो अगर चमचागिरी करे कोई, तो वो आपका बहुत चहेता हो गई, बहुत चहेती हो गई। और जो चमचागिरी नहीं करेगा, राष्ट्रपति जो है प्रथम हमारा सेवक, हमारा जो है नागरिक कहलाता है भारत का, और उसके साथ आप बेइज्जती करते हैं, तो इसका मतलब है कि भारत के तमाम महिलाओं की आप बेइज्जत कर रहे हैं, उसके सम्मान पे ठेस पहुंचा रहे हैं। दूसरी चाहते हैं, जिस तरह से तीन तलाक की आपने सुगुफा छोड़ा, पहली बात। दूसरी बात यह कि महिला बिल तो आज लाने की बात कर रहे हैं, उसमें भी आपने रोक लगा दी है, जबकि आपने लोकसभा में पास किया तो विधानसभा में भी पास हो जाता, लेकिन आपने रोक लगाई कि हम उसमें देखना चाहते हैं। ये अगर पास भी हो जाता है तो ये अमेंडमेंट, ये जो एक्ट, ये जो पास, ये लागू होगा, वो जाकर के 2029 में होगा। अब इसमें स्टेलिन हैं या राहुल जी हैं या दूसरे लीडर हैं, ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये अपने अपने इंडिया या अलायंस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, या किसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये है कि हमारे आदरणीय माननीय सम्मान्य महामहिम राष्ट्रपति एक महिला है, एक आदिवासी हैं, और उनको ह्यूमिलेट करना, उनको बेइज्जत करना हर बात पे, चाहे वो पार्लियामेंट में जाने की बात हो, चाहे मंदिर में जाने की बात हो, या किसी और, चाहे G20 की प्रोग्राम्स हो, या बड़े बड़े इवेंट्स जहाँ कहीं भी हो, या विदेश जाने की बात हो, तो हमारे आदरणीय माननीय सम्मान्य मोदी जी आगे होते हैं और हमारे राष्ट्रपति का अमानना होता है, यानी कि उनकी बेइज्जत किया जाता है, जो ये हमारे डेमोक्रेसी में या गणराज्य जो हम रिपब्लिकन देश हैं, इसमें ये शोभा नहीं देता। यही तो है कि एक जो है एक सेलिब्रिटी यानी कि आर्टिस्ट है वो, एक कंगना रनावत की बात करें या मान लीजिए शाहरुख खान, सलमान खान, किसी की भी बात करें, हीरो हीरोइन की बात करें, ये लोग एक कलाकार हैं जो रील और रियल की लाइफ से अलग होते हैं। जो हमारे जो विधायिका है वो एक रियल लाइफ को जीता है, रील की लाइफ नहीं जीते, और लेकिन रील की तरफ भागना, और रियल जिसकी मान और सम्मान हमारा देश का प्रथम राष्ट्रपति जो है प्रथम हमारा सेवक, हमारा जो है नागरिक कहलाता है भारत का, और उसके साथ आप बेइज्जती करते हैं, तो इसका मतलब है कि भारत के तमाम महिलाओं की आप बेइज्जत कर रहे हैं, उसकी सम्मान पे ठेस पहुंचा रहे हैं। दूसरी एक तरफ ठेस पहुंचा रहे हैं और दूसरी तरफ सम्मान देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं अधिकार देने की बात कर रहे हैं, तो आप ये दोगलापन किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आपको सिर्फ वोट और परसेंटेज मिले ताकि आप सत्ता में बने रहें। तो इस तरह की राजनीति को जनता समझने लगी है, जानने लगी है, महिलाएं जो अनपढ़ हैं वो भी अब समझने लगी हैं, और अब वो तो अंधभक्ति से, पूजा पाठ से भी अब महिलाएं दूर भाग। तो अब राष्ट्रपति को आप छुपाना चाहते हैं? पहले अगर नहीं जानते थे तो आप छुपाना चाहते हैं क्या? अब्दुल कलाम आज़ाद को लोग नहीं जानते? बच्चा बच्चा अब्दुल कलाम आज़ाद को जानता है क्या? राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति भारत के थे तो नहीं जानते? हर बच्चा जानता है, बहुत सारे राष्ट्रपति हुए, सभी जानते हैं, लेकिन आप एक आदिवासी राष्ट्रपति को छुपाना चाहते हैं, आप उनको दूर रखना चाहते हैं, तो आपने राष्ट्रपति बनाए ही क्यों? तो आप राष्ट्रपति को हटा दीजिए, गवर्नरशिप हटा दीजिए, प्रधानमंत्री सब कुछ रहेगा भारत में, तो क्या इस तरह की लोकतंत्र चलेगा? क्या इस तरह की गणराज्य रिपब्लिकन चलेगा कि एक करना रनावत अगर जो अगर चमचागिरी करे कोई, तो वो आपका बहुत चहेता हो गई, बहुत चहेती हो गई, और जो चमचागिरी नहीं करेगा वो कुछ भी नहीं है। भारत के अंदर 48.8% महिलाएं हैं, उसमें न जाने कितने लाखों करोड़ों ऐसे हैं जो ब्रिलियंट हैं, करना नेवा तो उसकी धूल भी नहीं है, उसके पांव की जूती भी नहीं है, तो करना नेवा एक आर्टिस्ट होकर करके, और वो जो है चमचागिरी कर रही है, तो देश के विधायिका को, प्रधानमंत्री को और कैबिनेट मिनिस्टर को उसको जो है आगे बढ़ा करके या उस पर जो है रोटी सेक रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। ये हमारी सारी महिलाओं की, भारत की महिलाओं की, मेरे भाई मुझे पहली बात बताएं कि ये 23% किस ग्राउंड पे बनाया, किसको दे रहे हैं 23%? पहली बात मैं यही कह रहा हूं बार बार कि 48.84% महिलाएं हैं भारत की। अब ये में तो
तो उसमें जो स्वर्ण है वो 1-2% है। अब 2% जो पीछे हैं या वो गरीब हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनको आप आरक्षण दो, बाकी का सब महिलाओं की हिस्सा दे दो। तो मैंने बार बार कहा कि जो बहुसंख्यक हैं उनको 85%, अगर बहुसंख्यक हैं 86% तो उनकी 86% का हिस्सा दे दो और बाकी का जो हिस्सा बनता है वो हिस्सा ले लो, आरक्षण का मामला ही खत्म हो जाता है। और फिर मैंने कहा था बीच में आपके ही जर्नलिस्ट महोदय कि आप UCC लाना चाहते हो, आप यूनिफॉर्म कास्ट कोड कर दो तो भारतीय हो जाएगा, सब भारतीय कहलाएंगे और सब जब भारतीय होंगे तो भारतीय के आधार पे आर्थिक रूप से चाहे वो स्वर्ण की औरतें हो, चाहे स्वर्ण का बेटा हो, चाहे वो नाई धुनिया का बेटा हो, छुद्र का बेटा बेटी हो, वो उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनको प्रमोशन मिलना चाहिए और बाकी किसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो आज आपने जो है चंद लोगों को क्लीम लेयर में, आप जैसे OBC का आरक्षण आपने 27% रखा, लेकिन जब आपने भर्ती करना होता है नौकरी के लिए या विधायिका में या MLA MP बनाना होता है तो आप क्या करते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो कैंडिडेट ही नहीं है, हमारे पास तो पढ़े लिखे लोग ही नहीं है, तो आप 2-3% दे देते हैं और बाकी सब स्वर्ण खा जाते हैं। और यही वजह है कि विधायिका में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, सिक्योरिटी में, हर जगह जो 3% लोग हैं, जो 5% लोग हैं उन्हीं की दबदबा है और जो बहुसंख्यक है वो ठगे के ठगे मुंह ताकते रह जाते हैं और वो सिर्फ जो है रोटी बोटी में और घंटा बजाने में और जो है मीटिंग शीटिंग करने में लगे रहते हैं, कई संस्थाएं कई पार्टियां बनाने में लगे रहते हैं। जरूरत आज आन पड़ी है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं वो समय जाम एक जगह हो जाएं, अपनी मत बनाएं और पढ़े लिखे लोग जो उनके बीच में हैं उनको जनप्रतिनिधि बनाएं, उनमें से जो महिलाएं हैं उनको बाहर लेके आएं और उनको आगे बढ़ाएं। ये जरूरत है और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी जो है जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो बहुत सारे जो अपने को अपना मूल निवासी समझते हैं, उनकी ड्यूटी है। अगर आप लड़ते रहोगे, आप जो है घंटा बजाते रहोगे, 500 में बिकते रहोगे, शराबे में बिकते रहोगे, तो आप पे जो स्वर्ण लोग हैं जो ठग रहे हैं आपको, तो ये आपको ठगते रहेंगे। और इसीलिए मैंने कई बार कहा जर्नलिस्ट महोदय कि ये अब हमारा लोकतंत्र नहीं रहा, ये हमारा राजतंत्र की तरफ जा रहा है, लेकिन ये ठग तंत्र चल रहा है, जो जितना हो सकता है उतना ही ठग रहा है, उतना ही लूट रहा है और लूटने की एक प्रक्रिया चली हुई है। और इसमें जो गरीब है, जो दबे कुचले हैं, जो शोषित है, जो OBC है, जो SC है, जो ST है, वो पहले गुलाम थे, आज गुलाम है, आज मानसिक गुलाम है और पूर्ण रूप से दोबारा गुलाम बन जाएंगे अगर यही नीति रही, अगर ये लड़ना नहीं सीखा।